देखिए एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन, तो गाइस फाइनली गौरव तनेजा ने यानी कि फ्लाइंग बीस्ट ने उनकी और उनकी वाइफ के बीच में जो डिवोर्स वाली बातें चल रही थी सोशल मीडिया के ऊपर उसके बारे में उन्होंने एक प्रॉपर रिप्लाई वीडियो निकाल दी है। और गाइस वहां पर फ्लाइंग बीस्ट ने यह बताया कि उनके और उनके वाइफ के बीच में कुछ ऐसी अनबन हो गई थी कि उनको दोनों को अलग होने की नौबत आ गई, लेकिन गाइस अभी तक ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, साथ में ही रहते हैं। और गाइस जो हाल ही में सोशल मीडिया पे इन दोनों के बारे में डिवोर्स वाला सीन चला था वो किसी ने फेक पीआर करवाई थी। और लोगों ने फेक पीआर सिर्फ गौरव तनेजा का नाम खराब करने के लिए और उनकी इमेज खराब करने के लिए सोशल मीडिया पर ये फेक पीआर करवाई थी उनके खिलाफ। और गाइस इस बारे में फ्लाइंग बीस्ट ने प्रॉपर रिप्लाई करते हुए क्या कहा, आप लोग गौरव तनेजा के चैनल पर जाकर ये वाला पूरा वीडियो देख भी सकते हो। बट गाइस उस वाले वीडियो क्लिप का मैं छोटा सा वीडियो क्लिप मैं आप लोगों को प्ले कर दिखा भी देता हूँ। तो ये भी क्लेम कर दिया कि मेरे पे FIR हो चुकी है किसी किसी दफा के अंदर, उनके पास FIR की कॉपी भी है। अब देखो केस नंबर वगैरह है मेरे पास लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना नहीं चाहती हूँ। नेक्स्ट डे ये चीज ट्विटर पे पकड़ ली, बहुत सारे प्रोफाइल्स जो वेरीफाइड प्रोफाइल्स होते हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, सेम कट कॉपी पेस्ट सेम ट्वीट बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया। उस ट्वीट में लिखा था गौरव चीटेड ऑन हिज वाइफ एंड लेफ्ट हर अलोन विद टू किड्स, एंड ऑफ लव मैरिज इज डिवोर्स। एक और ट्वीट सिमिलर वायरल जाने लगा कि गौरव इज एंजॉयिंग हिज हॉलीडेज इन अबू धाबी विद हिज रूमर गर्लफ्रेंड, मतलब मेरी एक गर्लफ्रेंड भी बना दी गई जिसके साथ मैं अबू धाबी में छुट्टियां मना रहा था, जबकि मैंने उस दिन व्लॉग भी पोस्ट किया था कि मैं फैमिली और बच्चों के साथ हूँ। क्रिएटर्स ने सारे ने वीडियोस बनाई, लेकिन इतना सारा अगर आप सोचेंगे पीआर हुआ हुआ है तो काफ़ी सारा पैसा उस लॉबी ने खर्च किया होगा इसको इतना बड़ा वायरल कराने के लिए। अगर ये पीआर स्टंट ही होता और हमें इससे कुछ गेन करना होता तो जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी मैं तो रोज़ व्लॉग पोस्ट करता, मैं तो रोज़ बताता कि आज ये हुआ, रितु भी रोज़ व्लॉग पोस्ट करती, तभी तो उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं, अदरवाइज क्या फ़ायदा उठाएंगे आप। जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा था तो थोड़े लॉयर्स ने भी रितु को कॉन्टैक्ट किया और वो लॉयर्स सरप्राइजिंगली उसी लॉबी से थे जो हमें अपोज करते हैं। एंड जब मेरा हिंदुस्तान टाइम्स का केस भी हुआ था तो ऑपोजिट पार्टी से भी उनमें से कुछ लॉयर्स वहाँ पे भी खड़े थे, तो उनको लगा शायद अब तो इनका घर टूटने वाला है, घुस के और जल्दी तोड़ते हैं। देखिए एंड में मैं यही कहूँगा, बहुत लोग इस सिचुएशन में मेरे साथ खड़े भी रहे, जो भी ईमेल्स और डीएम्स मेरे को आए वो 99% ऐसे थे कि वी लव यू, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो और गेट बैक टुगेदर। कमेंट सेक्शन में आप देखते हैं तो एक अलग पिक्चर पेंट होती है, वहाँ पे लोग बहुत ट्रोल करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं। देखिए एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, हर लंबे रिलेशन में कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, सब लोग एग्री करेंगे। किसी को कुछ भी क्लैरिटी नहीं थी कि हमारे बीच में क्या प्रॉब्लम है और हमने भी इसको डिस्क्लोज करने का फैसला नहीं किया। जो भी बात हुई वो सिर्फ प्रेमानंद जी महाराज की वीडियो में जो हुई थी उतनी ही हुई थी, तो 10 लोगों के 10 ओपिनियन बन जाते हैं। अब कुछ लोग जो होते हैं जो एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं वो 5 लोग अपने छोड़ देते हैं जो कि कोऑर्डिनेटेड वे में हर प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट करते हैं, ट्विटर पे जाएंगे, न्यूज पोर्टल्स पे जाएंगे, मीम मार्केटिंग करेंगे। मीम मार्केटिंग आपको पता है कितना ज्यादा शेयर होता है, तो अब जो 10 लोग हैं जो अलग अलग सोच रहे थे इन 5 लोगों को देख के वो भी यहीं पे आ जाते हैं, उनको लगता है हाँ, और फिर उन 15 लोगों को देख के बाकी 50 लोग और आ जाते हैं और ये एक स्नोबॉल इफेक्ट बन जाता है और एक टाइम के बाद पूरा सोशल मीडिया उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है जहाँ पे जो ग्रुप्स हैं जो टारगेट करते हैं इनका पर्पस वहाँ सॉल्व हो जाता है। देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस वीडियो से सहमत नहीं होंगे, उनको लगेगा कि पीआर स्टंट हमने करवाया। देखिए भगवान ने सबको बुद्धि और विवेक दिया है, आप उसका यूज करके अपना कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो भी लोग। और गाइस काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि फ्लाइंग बीस्ट ने खुद नहीं फेक पीआर स्टंट करवाया था अपने फेमस होने के लिए, बट गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके और उनकी वाइफ के बीच में सच में ऐसी कुछ कंडीशन आ गई थी कि दोनों को अलग होना पड़ा, बट गाइस दोनों के बीच में यारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है और कई लोगों ने इसका फायदा उठाकर उन दोनों को बदनाम करने की भी कोशिश की थी। बाकी यहाँ पर आप लोग फ्लाइंग बीस्ट और उनकी वाइफ के बारे में क्या कहना चाहोगे, दोनों की जोड़ी आपको कैसी लगती है, अपने ओपिनियन नीचे कॉमेंट कर जरूर से बता देना। एंड गाइस अभी के लिए बस इतने अपडेट था, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।